लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की वर्तमान दौर में भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। ये सवाल एक बार उस समय और गहरा देखने को मिला जब सोमवार को संसद में विपक्षी दल इकट्ठा हुआ सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ नेशनल मीडिया में गैंगस्टर अतीक अहमद की जेल शिफ्टिंग का लाइव कवरेज चल रहा था। सोमवार को संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने का विपक्ष ने ब्लैक ड्रेस पहनकर विरोध किया। संसद के अंदर ब्लैक ड्रेस प्रोटेस्ट के तहत ज्यादातर सांसद ब्लैक ड्रेस में दिखाई दिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सभी विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे। साथ ही अडानी महाघोटाले और मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ पूरे विपक्ष ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। दूसरी ओर माफिया से नेता बने अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से यूपी लाया जा रहा था। यूपी कोर्ट के आदेश के मुताबिक अपहरण के एक मामले में फैसला 28 मार्च को सुनाया जाना था। पुलिस जब अतीक अहमद को लेकर गुजरात से निकली तो नेशनल मीडिया में उसके सफर का लाइव कवरेज शुरू हो गया और यहां तक कि अतीक को रास्ते में जब लघुशंका तक करने को लाइव दिखाया गया तो बड़ा सवाल उठा। अतीक अहमद को मिले कवरेज में 17 विपक्षी दलों का प्रदर्शन साफ तौर पर नजरअंदाज किया गया। वहीं विपक्ष राहुल गांधी के मुद्दे पर इकट्ठा होता दिखाई दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकतंत्र और राहुल के समर्थन में साथ आने के लिए सभी विपक्षी दलों का आभार माना। उन्होंने कहा कि मैं सभी पार्टियों के नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कमजोर होते लोकतंत्र और राहुल जी को डिस्क्वालीफाई किए जाने के विरोध में हमारा समर्थन किया। साथ ही काले कपड़ों में प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि हम काले कपड़ों में आकर दिखाना चाहते हैं कि पीएम मोदी लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। पहले स्वायत्त निकायों का खात्मा किया, फिर चुनाव जीतने वालों को डराकर सरकार बना ली, जो नहीं झुके उन पर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ एक खबर और जो छाई रही, राहुल गांधी ने 26 फरवरी को रायपुर में हुए कांग्रेस के अखिल भारतीय अधिवेशन में कहा था कि उनके पास अपना खुद का कोई घर नहीं है। नई दिल्ली में तुगलक लेन स्थित आवास भी उनका अपना नहीं है। उन्हें शायद तभी कोई आभास हो चुका होगा कि आगे क्या होने वाला है। सूरत की कोर्ट द्वारा 23 मार्च को सुनाए गए फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने संसद सदस्य के रूप में उनकी सदस्यता खत्म कर दी। साथ ही सांसद के तौर पर मिले हुए तुगलक लेन के आवास को भी उन्हें अब एक महीने के अंदर खाली करना पड़ेगा। तुगलक लेन का घर खाली करके राहुल कहां जाएंगे? ऊपर की अदालतों के द्वारा अगर सूरत की सजा में किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाती है तो 22 अप्रैल के बाद के 2 सालों के लिए राहुल गांधी के नए आवास का पता गुजरात या फिर देश की कोई जेल होगी। शनिवार की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कितने भी लंबे वक्त के लिए अपने नए ठिकाने पर रहने की तैयारी दिखा दी हो, आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर उस अज्ञात जेल की किसी अत्यधिक सुरक्षा प्राप्त कोठरी को राहुल की हैसियत के मुताबिक सुविधा युक्त बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरुआत भी कर दिया गया हो। किसी भी बात का अब कोई भरोसा नहीं है। मोदी सरनेम को लेकर दायर किए गए मानहानि के मुकदमे के एक रुके हुए फैसले ने 24 घंटों के अंदर 140 करोड़ लोगों के देश की राजनीति को आगे आने वाले सालों के लिए हिलाकर रख दिया। ऐसा ही एक क्षण 12 जून 1975 को तब उपस्थित हुआ था जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने राहुल की दादी इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता को खारिज कर दिया था। उसके बाद जो घटनाक्रम चला उसने देश के तकदीर को बदल कर रख दिया था। राहुल उस समय 5 साल के थे। 48 साल बाद किसी और संदर्भ में हो रही इतिहास की पुनरावृत्ति क्या एक बार फिर जून 1975 के बाद बने घटनाक्रम की तरह साबित होगी? सूरत के फैसले के तत्काल बाद से उठाए जा रहे सवाल कि राहुल अब क्या करेंगे, राहुल ने उनका भी जवाब दिया। उनके जवाबों ने बीजेपी को और भी ज्यादा डरा दिया होगा। दूसरी ओर उनके जवाबों से जनता का बचा हुआ डर भी खत्म हो गया होगा। विपक्ष और ताकतवर बन गया होगा। मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमतों को झुकाने के लिए तैयार हूं, राहुल ने लोकसभा से निष्कासन के बाद यही कहा था। अब चुनौती दे रहे हैं कि उन्हें जीवन भर के लिए निष्कासित कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, तो भी लोकतंत्र के लिए राहुल की लड़ाई जारी रहने वाली है। राहुल ने इस कीमत को चुकाने की तैयारी 10 साल पहले सितंबर 2013 में शुरुआत करती थी, जब चुने हुए जनप्रतिनिधियों को न्यायालयों द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद भी विधायिकाओं में उनकी सदस्यता कायम रखने संबंधी मनमोहन सरकार के अध्यादेश की प्रति को उन्होंने सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था। राहुल गांधी ने तब कहा था, इस देश में आप भ्रष्टाचार से संघर्ष करना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी, हम इस तरह के छोटे छोटे समझौते करना जारी नहीं रख सकते। हम अगर इस तरह के समझौते करेंगे तो फिर हर जगह करने लगेंगे। राहुल गांधी ने अगर सितंबर 2013 में अपनी ही यूपीए सरकार के उक्त अध्यादेश का विरोध नहीं किया होता तो 23 मार्च के फैसले के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता पर आँच नहीं आती। यहाँ ये उल्लेखनीय है, ना सिर्फ बीजेपी का ही उस अध्यादेश को पूरा समर्थन प्राप्त था बल्कि सभी दलों के बीच भी उस पर व्यापक सहमति थी।
राहुल जब नई दिल्ली में उस अध्यादेश के प्रति फाड़ रहे थे, मनमोहन सिंह अमेरिका की यात्रा पर थे और वाशिंगटन में रात का वक्त था। कुछ घंटों के बाद ही वे राष्ट्रपति ओबामा से मिलने वाले थे। अध्यादेश के प्रति को फाड़ने की घटना के कुछ महीनों के बाद 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। सूरत की कोर्ट के फैसले के बाद राहुल ने महात्मा गांधी के इस कथन को ट्वीट किया था कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। राहुल चाहे महात्मा गांधी नहीं बनना चाह रहे हों, गुजरात की धरती से उठा बवंडर उन्हें कुछ कुछ उसी तरह की भूमिका की तरफ धकेल रहा है। इस वक्त कहना मुश्किल है कि राहुल को दी जाने वाली छोटी से छोटी अवधि की हिरासत भी क्या उस लोकतंत्र के लिए एक लंबी आयु की सांस बन जाएगी जिसको मुद्दा बनाकर बीजेपी उससे माफी की मांग कर रही है। राहुल को मिल रही सजाओं से डरकर उनके द्वारा प्रधानमंत्री से पूछा गया ये सवाल कि अडानी के साथ उनका रिश्ता क्या है, न सिर्फ खत्म नहीं होने वाला है, उसकी धार और भी तेजाबी हो सकती है। राहुल के जेल चले जाने के बाद उनके सवाल के जवाब की मांग देश की वो जनता कर रही है, कर सकती है, जो लाखों की संख्या में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सड़कों पर दिखाई देती। लेकिन जो भी हो, कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों के सभी बड़े बड़े नेता कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, राहुल गांधी के निलंबन के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, काले कपड़ों में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उस मीडिया का क्या, जो मीडिया गैंगस्टर अतीक अहमद के लाइव कवरेज को लेकर दिन भर नेशनल टीवी चैनलों पर अतीक अहमद के कवरेज को दिखा रहे थे, अतीक अहमद को कवर कर रही थी, बल्कि संसद भवन के अंदर गांधी की प्रतिमा के सामने जब पूरा विपक्ष संविधान बचाओ के नारे लगा रहा था, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। फिलहाल मीडिया को लेकर आप क्या कहेंगे या फिर राहुल गांधी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या राहुल गांधी का पता किसी जेल का होगा या फिर राहुल गांधी को कोर्ट से कुछ राहत मिल सकती है? अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए देव का पंच।